हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो कंटिन्यूस जैसा हम लोग को चल रहा है ईवीएस सब्जेक्ट में पार्ट वन और टू हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डाल दूंगा प्ले लिस्ट में, वहाँ से आपका करिएगा, देख लीजिएगा। तो अभी को जस्ट एक न्यूज़ आई है, आप लोग को सबको पता भी हो गया होगा, मुझे खास बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। टेट का जो अपना एग्ज़ाम होने वाला था 22 को, तो वो कैंसिल तो कहना नहीं सही होगा, पोस्टपोन कहना सही होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है, और अपकमिंग डेट वो क्या है वो अभी मतलब ऑफिशियल कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ लोग 19 और 12 इस तरह के बता रहे हैं जनवरी में, लेकिन जब तक अभी कंफर्म कुछ ऑफिशियल नहीं आ जाता तो हम लोग कुछ उस पर कह नहीं सकते हैं। अब कैंसिल होने का फ़ायदा भी है, घाटा भी है। फ़ायदा की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए और अच्छा टाइम मिल गया। घाटा की बात करें तो भाई, जिसका तैयारी अच्छा हो चुका था वो सोच रहा था कि चलिए एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद कुछ और अपना प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, किसी और मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा घाटा है, लेकिन देखा जाए तो फ़ायदा ही है। कहने का मतलब और थोड़ा सा तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं कि फ़ायदा ही हुआ है और हम लोग को थोड़ा टाइम मिल गया है, तो प्रिपरेशन में हम लोग थोड़ी सी भी कमी नहीं करेंगे। अब जैसे ही हम मतलब 3-4 लेक्चर और मैं लूँगा ईवीएस पे, उसके बाद मैं मैथ स्टार्ट कर दूंगा। मैथ में जैसे अभी मान के चलिए अगर 5 लेक्चर मैं दे रहा हूँ तो लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी 5 लेक्चर में आ जाएंगे। 3 हो चुका है, दो से तीन और लेक्चर लूँगा तो लगभग मान के चलिए 7 से 8 ईयर के क्वेश्चन इसी 4-5 से 6 वीडियो में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं विश्वास दिलाता हूँ आ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ ना, जैसे कि एक लाइन लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली एक क्वेश्चन उसमें कवर होता है, उसमें उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो आप 5 से 6 जो पार्ट बनेगा उस वीडियो को अगर जो आप अच्छे से देख लेते हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इसमें आप इससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, कुछ ज़्यादा ही याद बोल दिया इस पर, ठीक है, आते हैं अपने वीडियो पे और देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कल थोड़ा सा मैं लिखा सही था लेकिन बोलने में मिस्टेक हो गई थी हमसे। तो पहला काम हमारा वही था, होना चाहिए कि जो आपने गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर हुई थी मेरे मुंह से, केवल मतलब बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, बाकी लिखा सही था, लिखने में कोई गलती नहीं हुई थी। तो आप अगर लिखने वाले ध्यान दिए होंगे तो हो गए होंगे सही, बसरते अब मैंने क्योंकि मेरे द्वारा दी गई थी इन्फॉर्मेशन तो मुझे बताना जरूरी था। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस, भाई मेरे इस पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। मान के चलिए अगर 4 साल पेपर हुआ तो 3 बार तो आया ही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, और वो गैसें कौन कौन सी हैं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, कल मैं डाइऑक्साइड बोल दिया था गलती से, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला क्या है, N2O, और फिर मेथेन है CH4, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और O3 जलवाष्प, O3 करके होता है, तो आप O3 सिंपल ओजोन दिमाग में रखे रहिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 तरीके से पूछा जाता है कभी कभी फार्मूला, इनमें से कौन सी ओजोन गैस नहीं है, तो आपको अगर अच्छे से पता रहेगा तो इन्हीं में से एक ऐसा रहेगा, जो नहीं रहेगा तो वही हो जाएगा आंसर। तो ये तो हो गए करेक्शन की बात। अब हम लोग पहले एक छोटी सी ट्रिक सीखते हैं, ठीक है, और उस ट्रिक के बाद हम लोग अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये शहर हैं, कुछ शहर हैं, 1, 2, 3 यहाँ लिखा हूँ मैं, और जगह क्योंकि ऊपर थी नहीं, तो 1, 2, 3, 4 मतलब 7 शहर हैं, और वो किस नदी के किनारे हैं ये हम लोग आज सीखेंगे। और सीखेंगे मतलब सीखने की बात मैं कर रहा हूँ, रटेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं कुछ ऐसा आपको बताऊँगा कि वो अभी के अभी तुरंत याद हो जाएगा। तो आप देख ध्यान से देखिए, रोम शहर है एक, तो रोम की अगर जो बात करें तो वो किस नदी के किनारे है, तो टाइबर नदी। पहले आंसर अच्छे से सुनिएगा, टाइबर नदी। अब बात आती है सर याद कैसे होगा, तो भाई ऐसा समझिए, रोम, तो रोम को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप टाइगर के सामने जाते हैं, ठीक है, टाइगर के सामने जाते हैं, सामने अचानक आपके टाइगर आ गया तो आपका क्या होगा, रोआ मतलब वो कहते हैं ना ये कि रोआ मेरा खड़ा हो गया, या फिर डर के कारण मेरे मतलब सारे हैंड वगैरह के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं रोआ खड़ा हो जाता है। तो क्या हो गया, मेरा टाइबर से टाइगर आपके दिमाग में,
और रोम से आप क्या कहता है, रोमा रोमा करके दिमाग में बैठाइए कि हमारा रोमा क्या हो गया, खड़ा हो गया। तो उस हिसाब से रोम नदी टाइबर, केवल समझने के पर्पज से इसको दिमाग में बैठाइए, मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजाक बनाओ तो भाई हर चीज का बन जाएगा मजाक, लेकिन हम लोग मजाक तो बनाना नहीं, हमको सीखना है। तो अगर आपको रोम आया तो आपके दिमाग में तुरंत रोमा आना चाहिए, रोमा उसके बाद फिर कब आता है तो ऑप्शन, अगर आपको टाइबर दिख गया तो आप 110% अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं और दिमाग में चीजों को बैठा रहे हैं तो आप रोम नगर तुरंत टाइबर नदी ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो बर्लिन अगला बात करते हैं। बर्लिन एक शहर है, वो किस नदी के किनारे है? तो बर्लिन जो शहर है वो क्या है, स्प्री एक नदी है उसके किनारे। मैं ब्रेकेट में लिख दी भी दिया हूं ट्रिक ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बर्लिन शहर स्प्री एक नदी है उसके किनारे है। ये कैसे याद करते हैं? तो ऐसा याद कर लीजिए कि बर्लिन मतलब दिमाग के जरिए लीन, यहाँ पे क्या है, लीन का आ रहा है ना, तो लीन कब कोई होते हैं, मान लीजिए लीन किसमें है, तपस्या में है, तो ठीक है लीन है तपस्या में, कौन, एक स्त्री, तो स्प्री स्त्री लीन, ठीक है, एक स्त्री तपस्या में लीन है, या फिर अपने दिमाग में बैठाए रहिए कि लीन मतलब स्त्री है और स्त्री से क्या हो जाएगा, स्प्री है, बस सिंपल भाई। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करिए पर डे रिवाइज करिए, तो पर डे अगर आप, इतना तो कोई है नहीं कि पर डे एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज करेगा, तो कुछ ऐसा उसमें बना लीजिए कि वो देखते ही आपको दिमाग में रिकॉल हो जाए चीजें। तो बर्लिन मतलब लीन, और लीन कौन थी, स्त्री, तो स्त्री से क्या हो गया, स्प्री हो गया, ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। पेरिस एक शहर है उसकी बात करें, तो भाई पेरिस की अगर जो बात किया जाए तो पेरिस में बहुत अच्छे अच्छे सीन हैं। क्या है, सीन देखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे, मतलब मान सकते हैं बिल्डिंग है, मॉल है, ये सब क्या है, सीन। तो पेरिस में सीन बहुत अच्छे हैं, तो पेरिस जब आपके दिमाग में आए तुरंत आपको क्या आना चाहिए, सीन। तो पेरिस किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बताएंगे, सीन नदी के किनारे है, ठीक है। अच्छा, तो ये तीन तो आई थिंक याद हो गया होगा आपको। अगला आते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी, एक हडसन नदी है, उस नदी के किनारे न्यूयॉर्क है। तो इसको कैसे याद करेंगे, आर्क, आर्क मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आर्क होता है कि सूर्य का आर्क, ठीक है ना, तो सूर्य का आर्क मतलब गर्मी से अगर आर्क आ रहा है तो आर्क बताते हैं ना कि उसके आर्क, ऐसे दिमाग में कुछ आर्क से कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा होगा सूर्य से रिलेटेड, सूर्य की आर्क या फिर किरणें, ऐसे कुछ दिमाग में बैठाइए। तो आर्क किसका, सन, सन मतलब सूर्य, ठीक है ना, ये था भाई। देखो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रूल है कि एग्जैक्ट आपको, भाई वो ट्रिक अच्छी भी लग सकती है नहीं भी अच्छी लग सकती, बस मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ अपने दिमाग में बैठा सकते हो। सकता है आप मुझसे अच्छा भी जानते हो कोई तो मुझे बताइए भी, लेकिन मैं जैसे आपके हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कराची, कराची किस नदी की है, सिंधी नदी। तो कराची सिंधी नदी, इसको आप ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ दिमाग में मेरे आया नहीं था तो मैं ऐसे लिख दिया कराची सिंधी नदी। और फिर आता है टोक्यो, तो टोक्यो है जापान की राजधानी टोक्यो, वो किस नदी की है, अराकाव नदी, किस नदी के किनारे है, अराकाव नदी। तो टोक्यो ओ टोक्यो, ऐसे दिमाग में दो तीन बार बोल टोक्यो, वो किस नदी, अराकाव, दो तीन बार बोलेंगे तो अपने आप रिमेम्बर हो जाएगा। लाहौर किस नदी के किनारे है, रावी नदी। तो लाहौर रा से एंड हुआ, रा से शुरू हो गया, ठीक है ना, तो लाहौर जब आएगा तो तुरंत दिमाग में अच्छा रा से स्टार्ट हो गया तो रावी नदी, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कोई और नदी आ जाए तब रा से जो स्टार्ट हो, तो भाई ये अगर आप रिदम बना के याद किए हैं तो और कोई नदी आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने रिदम इसी का बनाया, लाहौर रावी नदी, दो तीन बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रिक छोटी सी, ठीक है ना, तो ये ट्रिक का था पार्ट। अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है बीटी कपास पूछा जाता है कैसा पौधा है, ट्रांसजेनिक है या फिर संकर पौधा है या एक पत्री द्विपत्री, ऐसे करके पूछा जाता है। तो बीटी कपास जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक है ना। अच्छा, इस पौधे में बेसिलस थुरिजिनसिस, ठीक है ना, बीटी इसका पूरा नाम क्या है, ये हो गया बी और ये क्या हो गया टी का मतलब ऐसे याद कर लीजिए टी। तो बीटी बेसिलस थुरिजिनसिस ये क्या है, एक जीवाणु है जो पौधे में पाया जाता है। अच्छा, इस पौधे में जो बेसिलस थुरिजिनसिस बेसिलस थुरिजिनसिस जीवाणु उत्पन्न होती है। इस जीवाणु का काम, इसका काम क्या होता है,
इस जीवाणु का पौधों में, ये क्या करता है कि पौधों को उनके नष्ट होने से बचाता है, ठीक है ना, होता ना कि रोग लग जा रहा है तो ये एक फायदेमंद होता है जीवाणु पौधों के लिए, जो उनको रोग लगने से क्या करता है, जीवाणु रहित है, मतलब जीवाणु से बचाता है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, टाइफाइड दे देगा, मलेरिया दे देगा, सूखा रोग दे देगा, इस हिसाब से देता है। तो दूषित पानी पीने से टाइफाइड रोग, कौन सा, टाइफाइड, कभी कभी ये लिखा रहता है आंत का बुखार, कौन सा रोग है, टाइफाइड या फिर आंत का बुखार रोग होता है। अच्छा वो कौन सा टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है, तो जीवाणु का नाम जो है वो है साल्मोनेला, क्या है देख लीजिएगा इसका नाम, एग्जैक्ट मुझे दिख नहीं रहा है, दिक का मतलब एग्जैक्ट अपोजिट रोशनी आती है तो कभी कभी आंख में रिफ्लेक्ट कर देती है, इसी वजह से पढ़ने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो साल्मोनेला ये क्या है, टाइफोस, पूरा नाम इसका जो है साल्मोनेला और टाइफोस, अजीब अजीब नाम भी तो होता है कि एक बार, अच्छा इंग्लिश में रहता तो थोड़ा आसान होता है लेकिन हिंदी में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, बहरहाल दिमाग में अगर जो आप बैठाएंगे दो तीन बार तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, द्विबीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा अभी आपको ऑप्शन से हमेशा समझ में आ जाएगा, बाकी मैं अभी एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा तो और अच्छे से आ जाएगा। तो डायरेक्ट पूछा जाता है द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है, तो सरसों, अरहर, मटर, चना। तो आप अगर ध्यान से देखिए, अच्छा ये क्या होते हैं, बीज दो पत्ती वाले होते हैं, एक अगर जो आप अभी देखिएगा आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मटर आप जो छिलते हैं तो उसमें से बीच में से दो पार्ट निकल जाता है ना ऐसे करके, उसी तरह अरहर अगर कुछ लोग देखे होंगे तो उसको भी ऐसे फाड़ते हैं तो दो पार्ट में निकल जाता है, और चना भी उसी तरीके से होता है। तो ये सब कैसे पौधे हैं, दो बीज पत्री पौधा है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, तो आपके देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा, कौन सा नहीं है कौन सा है, इस टाइप से पूछेगा द्विबीजपत्री। तो आपके दिमाग में अगर ये सब नाम है और आपके दिमाग में एग्जाम्पल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, ठीक है ना। अच्छा यह चोटी जम्मू एंड कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब देखिए तीन क्वेश्चन आपका हुआ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, यह चोटी कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर के किस पर्वत श्रेणी पे है, तो आप क्या बताएंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछ लेता है, अग्नि चट्टे का उदाहरण कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेगमेटाइट, ये सब किसके उदाहरण है, अग्नि चट्टान के हैं। अच्छा ये चट्टान बनती कैसे हैं, तो जैसा आप लोग को पता है ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी जब निकलता है तो क्या होता है, उससे लावा निकलता है, ज्वालामुखी कहीं विस्फोट हुआ तो वहाँ पे क्या होता है, लावा निकलता है, तो लावा जब निकलता है तो बहुत गर्म रहता है लेकिन कुछ दिन बाद वो धीरे 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 ठंडा हो जाता है, तो उन्हीं से जो चट्टान बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। इनके उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेगमेटाइट, पूछा गया है ये पिछली बार। अच्छा अगली बार अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, ये तो पक्का याद हो जाएगा 110%, क्योंकि 22 दिसंबर जिस दिन अपना टेट का एग्जाम कैंसिल हुआ वही है, सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का। तो देख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन मतलब सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 22 दिसंबर, ये तो भाई मत भूलना, क्योंकि वैसे भी एग्जाम कैंसिल हुआ तो और नहीं आप भूलेंगे, ठीक है ना। अच्छा अगले पे आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, ये एक शुरुआत थी टाइगर को सुरक्षित करने के लिए, ये कब शुरू की गई, 1973 में, 1973 में, कहाँ से शुरू कही गई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब बात करते हैं ये पार्क कहाँ है, मैं बताया हूँ नहीं याद है तो क्या नाम है उसका, उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और यहीं से शुरू हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, इसका मेन उद्देश्य क्या था, टाइगर को सुरक्षित करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन, जिस जीवों के विद्या व्यवहार का अध्ययन ऐसे ऑप्शन में रहेगा, किससे किया जाता है, से किया जाता है, तो आप क्या लगाओगे, इथोलॉजी, क्या लगाओगे, इथोलॉजी, ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा और पूछा लिया जाता है कीड़ों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की बात करें हम तो क्या होता है, इंटेमोलॉजी, क्या होता है, इंटेमोलॉजी। और एक होता है शब्दों की व्युत्पत्ति, वो होता है इटाइमोलॉजी, बहुत ध्यान से समझिएगा दोनों में डिफरेंस है। कीड़ों की बात करेंगे इंसेक्ट, तो एन आ रहा, आई एन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंटेमोलॉजी, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सा, आई थिंक यही होता है, ठीक है ना। तो इटाइमोलॉजी होता है आपका शब्दों की
व्युत्पत्ति का अध्ययन, और एंटेमोलॉजी जो होता है वो इंसेक्ट का अध्ययन होता है, ठीक है ना। अगर जो मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर लूंगा, जहां तक मुझे यही पता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, सैक सैक या फिर लाइकेन। लाइकेन जो है यह एक सहजीवी होता है। सहजीवी की बात करें, ऑप्शन में दे देगा सहजीवी, परजीवी या फिर अपघटक, ये सब क्या होते हैं। तो सहजीवी ऐसे होते हैं, नाम जैसा वैसा काम, मतलब साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, किसमें, भोजन बनाने में, तो वो है लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कृत्रिम। कृत्रिम वर्षा के लिए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्या बताएंगे, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, ये भी पूछा गया है। तो चंद्रप्रभा चंदौली, चाचा से स्टार्ट है दोनों, कहाँ पे है चंदौली, यूपी में है, ठीक है ना। ओके गाइज, तो आई थिंक हम लोगों ने इतना डन कर लिया है। तो कैसी थी हमारी आज की वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और अगर जो कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट मेरे सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं मेहनत करता हूं और अच्छे क्वेश्चन जो ज़्यादा जगह पे पूछे गए हैं उनको कलेक्ट करता हूं और आपके बीच में लेके आता हूं। तो मेरा बस टारगेट ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचें, ताकि आप उनको देखें तो एग्जाम में जाके आप अच्छे से करें, तो क्या पता। और मैं गारंटी लेता हूं, आप भी कहीं नहीं जाएंगे, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, आप देखिएगा, कुछ नहीं तो मान के चलिए कि 10 उस क्वेश्चन के आसपास आपके पांच से इसी 5-6 वीडियो में आने हैं। आप एक बार देखिएगा जरूर, ये नहीं आप कहिए कि एग्जैक्ट उसी लाइन से आ जाए, ऐसा नहीं है, जो उससे रिलेटेड मैं बातें बताता हूँ उसमें से भी आ सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस मैं यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को, मतलब प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, ठीक है ना। पोस्टपोन कहिए उसको, कैंसिल मत करिए, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।